नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं डेजा वू के बारे में। बहुत लोगों ने यह शब्द सुना होगा या फिर बहुत लोगों के लिए शब्द यह नया होगा, तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि डेजा वू मतलब क्या। अगर आपने को पता होगा या फिर नहीं पता होगा, लेकिन डेजा वू का जो असल मतलब है उसको तो आप ज़रूर जानते होंगे या फिर आपने अपने जीवन में उसको अनुभव किया होगा। मुझे पूरा यकीन है आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं इसका अनुभव किया होगा। डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच भाषा का, तो उसका अर्थ ये होता है कि पहले से देखा हुआ। डेजा वू का मतलब है पहले से देखा हुआ। मतलब क्या कि हमारी रोज़मर्रा के जीवन में हमारे साथ कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है या फिर कुछ ऐसी बात हो जाती है। ज़्यादातर ये दो चीज़ों को लेकर कही जाती है कि किसी जगह पर जाना, किसी नई जगह पर हम जाते हैं जहाँ पर हम पहले भी नहीं गए थे, वहाँ पर जाकर कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर पहले भी आया था, ये एक हो सकता है। या फिर किसी के साथ हम कुछ बात कर रहे हैं और हमें अंदर से लगता है कि अरे ये बात तो पहले भी हुई थी और उसी कंडीशन में। समझो हम किसी के साथ किसी सोफे पर बैठ कर बात कर रहे हैं, किसी बेड पर बैठ कर बात कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में उसी सिचुएशन को हम फैसे जी रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसे हमें बहुत बार लगता है। तो बहुत सारे लोगों को अब तक मतलब जितना भी रिसर्च किया उसमें 100 में से तकरीबन 70-80% लोगों को ये लगता है। इस वजह से मैंने आपसे कहा कि बहुत लोगों ने इसका अनुभव किया होगा। तो इसे कहते हैं डेजा वू। डेजा वू मतलब इसका ही मतलब है कि पहले से देखा हुआ। कोई नई जगह पर हम जाते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो पहला भी मैंने कहीं ना कहीं जिया हुआ है। हमें ठीक से वो याद नहीं आता कि कब और किस तरीके से जिया था, लेकिन हो सकता है कि पहले हमने इसको जिया था। या फिर किसी के साथ हम बात करते हैं तो वो बातों के कुछ अंश हमें ऐसे दिखते हैं कि अरे ये तो पहले भी हमारे साथ हुआ था। तो इस तरीके से जो डेजा वू है वो हमारे जीवन में आता है। तो आखिर डेजा वू ये सच है कि झूठ है? डेजा वू का महत्व क्या होता है या फिर डेजा वू को इस तरीके से एक बहुत ही बड़ा महत्व क्यों दिया जाता है? तो देखिए, डेजा वू ये ऐसे जो अनुभव होते हैं वो ज़्यादातर दो चीज़ों को लेकर कंसेप्ट को वो इस तरीके से बयां करते हैं। पहले तो ये कि पुनर्जन्म के बारे में, मतलब क्या कि मैंने अभी कहा कि एक नई जगह पे जाने के बाद हमें लगता है कि मैं पहले यहाँ पर आया था, ठीक से ये वो याद नहीं आता, लेकिन हाँ शायद मैं आया था। तो हो सकता है कि मैं मतलब हो सकता है कि वो इंसान किसी और जन्म में पहले की नहीं बल्कि मतलब इससे पहले की नहीं लेकिन और भी किसी 2-3 जन्म पहले वो शायद वहाँ पर आया होगा और उसके मन में वो छवियाँ इस तरह से होंगी। तो पहली कंसेप्ट ये कही जाती है कि रीइंकार्नेशन, जो मतलब जो पुनर्जन्म को लेकर जो बातें होती है तो उस तरीके से शायद हो सकता है। दूसरी बात यह हो सकती है कि डेजा वू की उसे इस तरह से देखा जाता है कि सपने में कुछ चीज़ों को देखना, जिस तरह के जो मतलब आपको भी पता होगा कि हमारे जितने सपने हमें आते हैं उसमें से बहुत सारे कम सपने होते हैं जो हमें मतलब ठीक से याद रह जाते हैं। तो ऐसे वक्त में जो सपने हैं वो किस तरह से होंगे या फिर हमारे सपनों को सपनों में वो शायद चीज़ हमें देख सकते हैं। मतलब कल मैं सोकर समझो उठा तो मैंने किसी एक जगह को अपने सपने में देखा, उस सपने के बाहर आने के बाद वो सपना मुझे इतना याद नहीं, लेकिन जब मैं उस जगह पर गया तब मुझे अचानक याद आया कि हाँ कल मैंने शायद इस मतलब कल से ही कोई ये रिलेटेड चीज़ है। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि मैंने मतलब वो सपने में वो सारी चीज़ें देखी होंगी। तो इस तरीके से भी डेजा वू को देखा जाता है दोस्तों। तो डेजा वू जो है वो ज़्यादातर दो चीज़ों में ऐसा कहा जाता है कि दो चीज़ों में शायद उस इंसान ने उसको देखा होगा, एक पुनर्जन्म में या फिर दूसरा सपने में। लेकिन जितना हो सके मैंने अब तक जितना बातें जानी है मैंने आपसे बहुत बार भी शेयर की है वो कि जिस तरह से जब आत्मा इस दुनिया में आती है तब उसको कुछ चीज़ों की कभी कभी झलक दिखाई देती है। मतलब जो बड़ी आत्माएं होती है वो उसको बहुत बार कुछ चीज़ों की झलक दिखाती है कि तुम्हारे आगे की ज़िंदगी जो है वो किस तरह से होगी। तो तब ये हो सकता है कि जो तब उसकी उस झलक जो वो देखती होगी वहाँ पर वो किसी एक क्षण को देखती होगी। समझो एक इंसान के जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है, उस आत्मा वो आत्मा उस वक्त देख रही है कि मेरे अगले जन्म में अभी जो मैं जीवन लेने के चयन करने के जा रही हूँ वहाँ पर सामने मेरे साथ ये कुछ होने वाला है। तो ऐसे वक्त में वही पल उसके सामने जब इस पृथ्वी पर आ जाएंगे, क्योंकि वो 100% आने वाले हैं, उसने चयन किया है मतलब, तो जब उसके जीवन में जब वो पल आ जाएंगे तब उसको लगेगा कि हाँ बराबर शायद ये पल मैंने पहले जिया है या फिर पहले देखा है। तो हम कह सकते हैं कि तीन बातें हो सकती है। पहला कि पुनर्जन्म के बारे में, शायद पुनर्जन्म में उसका उसके उस जगह के साथ या फिर उस बोलने के जो भी बात करने के ढंग या फिर जो बोल रहे हैं उसके बारे में उसका संबंध हो, या फिर वो शायद सपने में मैं सारी चीज़ें देख रहा हो, या फिर जिस तरीके से हमने देखा है कि आत्मा को जो झलक दिखाई जाती है उस झलक में शायद वो इन सारी चीज़ों को इस तरह से देख सकता है। तो इस वजह से जब उसके सामने ये सारी चीज़ें आती है तब वो उस कहीं ना कहीं उसको वो नई लगती। आपके साथ मुझे मेरे भी साथ बहुत होता था, पहले बहुत ही ज़्यादा होता था, आजकल मैं मतलब इतना नहीं होता, लेकिन पहले मुझे मैं इतना मतलब परेशान भी हो जाता था कि शायद ये कहाँ पर घटा है वगैरह।
तो ये जो बात है बहुत ही ज़्यादा दिल पर एक गहराई छोड़ जाती है। तो इस तरीके से जो होता है वो डेजा वो इस तरीके से होता है दोस्तों। बाकी डेजा वो के और भी बहुत सारे रीज़न आजकल साइंटिफिकली कहा जाता है। एक तो कहा जाता है कि वो चीज़ पहली बार होती है लेकिन हमारा मतलब ब्रेन कहीं ना कहीं उसको ये समझ लेता है कि ये पहला भी घटना था। तो ये भी ऐसे कुछ रीज़न कहे जाते हैं, लेकिन वो मुझे एकदम मतलब इतनी घटनाएँ होती है तो कुछ ही घटनाएँ हमें क्यों लगती है कि वो फिर से हो रही है, तो ये मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन महत्वपूर्ण तीन कारण हो सकते हैं इसमें। आपको सच कहूँ तो मेरे दिल से अगर मैं कहूँ तो तीसरा जो मैंने आपको कारण बताया कि आत्मा को जो झलक दिखाई जाती है उसमें का हो सकता है, वो भी मुझे इतना मतलब 20-30% हो सकता है या फिर 10% भी मुझे नहीं लगता कि वो हो सकता है। लेकिन पुनर्जन्म का या फिर सपने माँ का शायद हो सकता है, पुनर्जन्म का भी ज़्यादा चांसेस है कि हो सकता है, क्योंकि बहुत बार एक इंसान जिस तरह के मतलब जिस सामना करने की कोशिश करता है जीवन में किस चीज़ों का, तो उसमें हो सकता है कि अगर वो ठीक से उसका सामना ना कर सके तो उसके जीवन में वो फिर से चीज़ें वैसे ही घट जाएंगी, तो उसे लग सकता है कि ये शायद फिर से मेरे साथ हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें ज़रूर होती है इंसान के साथ, और मुझे लगता है कि जब तक हम पृथ्वी पर आ जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ ज़रूर होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण डेजा वो है कि नहीं है, मैं आपको सच कहता हूँ कि ये महत्व है, इसको बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन हमें इसमें अटकना नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमारी तीसरी आँख ओपन हो जाए या फिर डेजा वो के बहुत सारे अनुभव हमारे रोज़ के जीवन में हर एक कार्य काम में हमारे सामने आ जाए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि हम कितना अच्छा एक इंसान है, हम कितने अच्छे से अपना काम करते हैं। जैसे संत वगैरह जो होते हैं उनको ये सारी बातें हम कहने के लिए जाते तो वो यही कहते कि मुझे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस अपने काम में इंटरेस्ट है, मैं दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ, निस्वार्थ रीति से मैं जीना चाहता हूँ, जितना हो सके मैं लोगों को आदर्श बनना मतलब लोगों के सामने ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिसका आदर्श वो ले, और एक निस्वार्थ रीति से हम मैं जीना चाहता हूँ। तो इस तरीके से जो बड़े लोग हैं दोस्तों वो जिस तरह से जिए, मुझे लगता है कि उस तरीके से कम जीने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो डेजा वो को मतलब उसमें हम अटके या फिर वो सारी चीज़ें शायद कब हो गई होगी, कब हो गई होगी, इसमें अटकने से अच्छा है कि हम अच्छे काम के में अटके। हमारे साथ जितना भी मतलब भूतकाल में हम क्या भी करके आए हैं हमें नहीं पता, लेकिन जितना हो सके इस जीवन में मैं एक अच्छा इंसान अगर बनता हूँ तो उसका फ़ायदा हमारे आत्मा के लिए बाद में होने ही वाला है दोस्तों। डेजा वो का वो मतलब आंसर कभी समझे 10 साल हमने कोशिश की और हमें आंसर मिला कि हाँ वो इसलिए तुम्हारे साथ तुम्हें ऐसा लग रहा था कि वो घटना घटी थी, ये भी जानकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन उस 10 सालों में अगर एक अच्छे इंसान बनने की कम से कम मैं मेरे अंदर जो भी बुरी चीज़ें हैं जिससे हम दूसरे को पीड़ा देते हैं वो मैं बदलने की कोशिश करूँगा, जितना हो सके मैं दुनिया में खुशियाँ बिखरने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से अगर हम जीते हैं दोस्तों तो उस जीवन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमें इन सारी चीज़ों को देखना होगा और इस जीवन में दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी, और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े, इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।